वेलकम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक ज्योमेट्री का बहुत फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, कॉन्ग्रेंसी। तो कॉन्ग्रेंसी को अगर हम डिफाइन करेंगे पहले, कॉन्ग्रेंसी मीन्स सेम शेप एज वेल एज सेम साइज। तो अगर हमारे पास कोई भी फिगर्स होंगी, कोई भी दो या दो से ज़्यादा फिगर्स होंगी, कब हम कहेंगे वो कॉन्ग्रेंट है? जब दोनों का शेप सेम होगा, जब दोनों का साइज भी सेम होगा। शेप जो यहाँ पे है, शेप इज़ एक्चुअली रिलेटेड विद एंगल, और साइज जो है डेट इज़ एक्चुअली रिलेटेड विद लेंथ। किसकी लेंथ? साइड्स की लेंथ, या आर्क की लेंथ, या लाइन सेगमेंट की लेंथ। तो यहाँ पे दो फिगर जो है वो कॉन्ग्रेंट कब होती है? जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की लेंथ सेम होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम लेंगे, अगर कॉन्ग्रेंट लाइन सेगमेंट्स हम लेंगे, कॉन्ग्रेंट लाइन सेगमेंट्स, कब हम कहेंगे दो लाइन सेगमेंट्स जो है वो कॉन्ग्रेंट है? फॉर एग्जाम्पल मैंने दो लाइन सेगमेंट्स लिए, ए बी और सी डी, और ए बी का लेंथ है 5 सेंटीमीटर, सी डी का लेंथ है 5 सेंटीमीटर। अगर हम क्या करेंगे, शेप तो दोनों का सेम है, ए बी एज वेल एज सी डी, स्ट्रेट है ये। अब साइज अगर इसका भी वही है, इसका भी वही है, तो इन दो को हम कहेंगे दीज आर कॉन्ग्रेंट सेगमेंट्स। तो दो लाइन सेगमेंट्स जिनका लेंथ सेम होगा उनको हम कहते हैं कॉन्ग्रेंट लाइन सेगमेंट्स। इसी तरह से दो आर्क्स जो है, अगर मेरे पास एक आर्क ऐसे होगा और एक आर्क ऐसे होगा, अगर इस आर्क का शेप भी वही है, कर्वेचर वही है जो इस आर्क का है, कर्वेचर सेम होना चाहिए, मीन्स शेप सेम होना चाहिए, और दोनों का लेंथ भी सेम है, तब हम कहेंगे अगर इस आर्क का नाम है ए बी, इस आर्क का नाम है सी डी, तब हम कहेंगे ए बी इज कॉन्ग्रेंट टू सी डी आर्क। तो सिंबल जो हम यूज करते हैं कॉन्ग्रेंसी के लिए वो ये है, ऐसे हम दिखाते हैं कॉन्ग्रेंसी में, ये हम दिखाते हैं। थर्ड अगर हम लेंगे कॉन्ग्रेंट एंगल्स, अगर मेरे पास दो एंगल्स है ए बी सी और दूसरा एंगल है डी ई एफ, अगर इस एंगल का मेजर लेट इट बी फॉर एग्जांपल ये है 30 डिग्री, और इस एंगल का मेजर लेट इट बी ये भी है 30 डिग्री, अगर दो एंगल्स का मेजर सेम हुआ तब हम कहेंगे एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट एंगल डी ई एफ। लेकिन कब? जब दोनों एंगल्स का मेजर क्या होगा? सेम होगा। अब इसके बाद जो है वो है सर्कल्स, कॉन्ग्रेंट सर्कल्स। किन सर्कल्स को हम कहेंगे वो कॉन्ग्रेंट है? टू सर्कल्स विथ सेम रेडियस, दो ऐसे सर्कल्स जिनका रेडियस जो होगा वो सेम होगा। लाइक अगर एक सर्कल ये है, इसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर और इसका रेडियस भी वही है 2 सेंटीमीटर, तो शेप तो इसका भी वही है, शेप इसका भी वही है, लेकिन रेडियस भी इसमें क्या है? सेम है। तो सर्कल्स में अगर हम कॉन्ग्रेंसी देखेंगे, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? रेडियस ऑफ द सर्कल के ऊपर। तो हम कहेंगे सर्कल वन इज कॉन्ग्रेंट टू सर्कल टू इफ सी वन एंड सी टू हैव सेम रेडियस। दो सर्कल्स का अगर रेडियस का वैल्यू सेम होगा तब हम उनको नाम देते हैं कॉन्ग्रेंट सर्कल्स। अब हम यही चीज देखेंगे ट्राइंगल्स में। तो कब हम कहेंगे दो ट्राइंगल्स जो है वो कॉन्ग्रेंट है? दैट इज, मैंने एक ट्राइंगल लिया
ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ। डी लेकिन इस केस में हमें क्या करना होता है, हमें कॉरेस्पॉन्डेंस देखना होता है। कॉरेस्पॉन्डेंस हम कैसे देखेंगे, नाम से देखते हैं। ट्रायंगल एबीसी में जो पहला लेटर मैंने लिखा है वो ए है, वो होगा जो दूसरे ट्रायंगल में पहला लेटर है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग। मीन्स ए इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू डी, बी इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू ई, सी इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू एफ। इसको हम बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस। तो ट्रायंगल ए बी सी जो है, ट्रायंगल डी ई एफ जो है, कब ये दो ट्रायंगल्स होंगे कॉन्ग्रुएंट? व्हेन दे हैव सेम शेप, व्हेन दे हैव सेम साइज। शेप मैंने कहा था एंगल्स बराबर होने चाहिए, लेकिन कौन से एंगल्स? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। और साइड मैंने कहा था कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की लेंथ बराबर होनी चाहिए। तो इन दो ट्रायंगल्स हम निकालेंगे, यहाँ पहला और यहाँ पहला। ए इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू ई, मीन्स जो इस ट्रायंगल में ए पे एंगल होगा वो दूसरे ट्रायंगल में किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, किसके बराबर होना चाहिए? डी के बराबर। जो बी पे एंगल है वो किसके बराबर होना चाहिए? जो ई पे एंगल है। जो सी पे एंगल है, एंगल सी, किसके बराबर होना चाहिए? एंगल एफ के बराबर। इसको हम कहेंगे सेम शेप। अगर ये तीन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो गए, तीन कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हम निकालेंगे। साइड्स हम कैसे निकालते हैं? यहाँ से ए बी पहले दो लेटर्स, यहाँ से पहले दो लेटर्स, ए बी इज इक्वल टू डी ई, इसको बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग साइड। दूसरा बी सी इज इक्वल टू ई एफ। तीसरा पहला और थर्ड लेटर ए सी, यहाँ पहला और थर्ड लेटर डी एफ। ये हो गया सेम साइज। तो कॉन्ग्रेंसी में जरूरी क्या है? शेप सेम होना चाहिए, साइज सेम होना चाहिए। रेस्ट जो मटेरियल है, जो कलर है, जो डेंसिटी है, वो डिफरेंट हो सकता है, बट शेप और साइज अगर सेम हो गया तब हम कहेंगे दो फिगर्स जो है वो कॉन्ग्रेंट है। तो दो ट्राइंगल्स ए बी सी और डी एफ कब होंगे कॉन्ग्रेंट? व्हेन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, व्हेन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। और मैथमेटिकल नोटेशन हम कैसे लिखेंगे? ट्राइंगल, अगर ये छह चीजें हो गई तब हम लिखते हैं ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। ये इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कॉन्ग्रेंसी का, लिखने का ट्राइंगल्स में। इसी तरह से अगर हमारे पास क्वाड्रिलेटरल्स होंगे या कोई भी पॉलीगन होगा, हम क्या निकालेंगे उसमें? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। अब दो फिगर्स जो होती है, दो प्लेन फिगर्स जो होती है, लाइक ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल, जब भी ये दो फिगर्स कॉन्ग्रेंट होंगी देन एरिया इज ऑलवेज इक्वल। तो एक चीज आपको याद रखना है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, एरिया ऑफ कॉन्ग्रेंट फिगर्स इज ऑलवेज इक्वल। दो कॉन्ग्रेंट फिगर्स जो है उनका एरिया हमेशा इक्वल होता है। या अगर आपको वहां से दिया है एरिया इज इक्वल, तब आप कहोगे जो ये दो इक्वल एरिया वाली फिगर्स है बट शेप सेम होना चाहिए, तब ये क्या है? ये कॉन्ग्रेंट है। बट ये हमेशा जरूरी नहीं है। अगर आपको दो इक्विलेटरल ट्राइंगल्स दिए हैं और बोला है दोनों का एरिया सेम है, तब हम कहेंगे ये कॉन्ग्रेंट है। लेकिन अगर आपको एक ट्राइंगल और स्क्वायर दिया है और दोनों का एरिया सेम है, तब ये जरूरी नहीं है वो कॉन्ग्रेंट, क्योंकि वो डिफरेंट शेप के हैं। बट ये वाला कंडीशन जो है, अगर एरिया कॉन्ग्रेंट फिगर्स का सेम है, अगर एरिया जो है कॉन्ग्रेंट फिगर्स का हमेशा सेम होता है, सॉरी। तो नीड ऑफ कॉन्ग्रेंसी, क्यों हमें जरूरत पड़ी कॉन्ग्रेंसी की? अब सिंपल एक एग्जांपल हम लेंगे, कोई एक गाड़ियों का वर्कशॉप है। वर्कशॉप अगर किसी भी गाड़ी का टायर खराब हो गया, क्या हम टायर चेंज करेंगे या नई गाड़ी लाएंगे?
ऑब्वियस सी बात है हम टायर चेंज करेंगे, बट उस टायर का क्या होना चाहिए? उसमें होना चाहिए शेप भी वही जो पिछले वाले टायर का था और साइज भी वही, तभी तो वो उसमें फिट बैठेगा। दैट इज़ एप्लीकेशन फॉर कॉन्ग्रेंसी। वर्कशॉप्स में, घरों में बल्ब आपको लगाना है, या बल्ब अगर हमें लगाना होगा, बल्ब खराब हो गया, क्या हम बल्ब चेंज करते हैं कि सारा होल्डर सिस्टम चेंज करते हैं? हम बल्ब ही चेंज करेंगे। तो ये है दूसरा एप्लीकेशन। तो इसी तरह से बहुत सारे अपने आसपास जो है वो बहुत सारे एप्लीकेशंस हम देख सकते हैं। थैंक यू।